हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फुटबॉल फैक्ट्री आई एम देव एंड लेट्स बिगिन द टॉक शो सो बेसिकली आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच मींस एक बहुत ही इंटेंस फुटबॉल वाला मैच इंटेंस गेम वाला मैच जो कि दो टॉप क्लास मैनेजर्स अभी आप बोल सकते हो मार्सेलो बियल्सा वर्सेस मिकेल आर्टेटा दो बहुत ही इंटेंसिटी वाली फ़ुटबॉल खेलने वाली टीम आर्सेनल वर्सेस लीड्स यूनाइटेड के बारे में सो आर्सेनल वर्सेस लीड्स यूनाइटेड मींस ये दोनों ही टीमों के लिए एक बहुत अच्छा गेम था मीन्स इंपॉर्टेंट गेम था अच्छा तो आप नहीं बोल सकते हो अगर आप लीड्स यूनाइटेड के फ़ैन हो तो और अगर आप आर्सेनल को सपोर्ट नहीं करते हो तब तो आप अच्छा नहीं बोल सकते हो अगर आप मैन यूनाइटेड फ़ैन हो या फिर लिवरपूल फैन हो या फिर जो भी टॉप फोर के लिए कंटेंट कर रही है उन टीमों में से अगर आप हो स्पर्स या वेस्ट वेस्टम के फ़ैन हो तब तो आप इसको अच्छा है, बिल्कुल नहीं बोलोगे क्योंकि इस गेम में परफॉर्मेंस दे के अर्सनल ने ये बता दिया है पूरे प्रीमियर लीग को और पूरे वर्ल्ड को कि वो टॉप फोर डिज़र्व करती है वो प्रीमियर लीग में टॉप फोर डिज़र्व करते हैं वो टीम और वो लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कि हाँ उनको यूरोपियन फुटबॉल खेलना है क्योंकि जिस हिसाब से वो कम मीन्स गेम्स बाई गेम्स वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं जिस हिसाब का वो इंटेंसिटी वाला फ़ुटबॉल खेल रहे हैं वो तगड़ा फुटबॉल खेल रहे हैं वो मीन्स सबको बता रहे हैं जो भी टॉप फ़ोर के लिए लड़ रहे हैं कि हाँ ये मींस आप आए और टॉप फोर लेके चले गए ऐसा कोई सीन नहीं है आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा आपको अच्छा फ़ुटबॉल खेलना पड़ेगा आपको हम लोगों को हराना पड़ेगा तभी आप जा सकते हो इसके थ्रू और ये मीन्स एक आप एक स्टेटमेंट परफॉर्मेंस बोल सकते हो आर्सेनल के और से कि आप आर्सेनल को एक हल्का टीम नहीं आक सकते क्योंकि आर्सेनल का जिस हिसाब से उनका फॉर्म है उन्होंने पिछले तीन गेम्स में पिछले तीन गेम्स में आर्सेनल ने नाइन गोल्स मारे हैं टोटल नाइन गोल्स वो भी आप वेस्टहम के अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड अगेंस्ट जब खेल रहे हो आप वेस्ट वेस्टर्म और न्यू लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट आप दो, ने दोनों गेम्स में मिलकर सात गोल मारे हैं टोटल सो ये कहीं सोचने वाली बात है कि हाँ आर एक मीन्स आर सच में एक टॉप फोर कंटेंडर टीम है और वो इसके लिए अपना परफॉर्मेंस दे रही है डे बाय डे वो अपना परफॉर्मेंस सुधार रहे हैं और आर टेटा मैन उसको तो मैं मीन्स क्या ही बोलूँ आर टेटा ने जिस हिसाब से टीम को संभाला है उस बंदे का मैन मैनेजमेंट उस वो कैसे खिलाता है वो इतना मीन्स अगर आप अगर मैच देखते हो तो आर्सेनल एल मीन्स आर्टेटा कैसे साइड लाइन से वो अपने टीम को किस हिसाब से मोटिवेट करता है वो मीन्स एक मीन्स काबिल तारीफ बात हो जाती है आप एक मीन्स इस ये आपको मीन्स शो करता है कि आप कितने अच्छे मैनेजर हो मीन्स आप चाहते हो कि आपका टीम आगे बढ़े मीन्स बहुत सारे मैनेजर ऐसे हैं कि कुछ अपना मीन्स शो ही नहीं करते अपना मीन्स अपना जो इगरनेस दिखाते नहीं टीम की तरफ बट आर्टेटा ने जिस हिसाब से अपना फुटबॉल को सुधारा जिस हिसाब से उन्होंने टीम को बनाया इतना तगड़ा टीम इतना बहुत मीन्स आप आर्सेनल को एक छोटी टीम में नहीं आक सकते मतलब जिस हिसाब से आप आर्सेनल को ट्रोल करते थे कि हाँ आर्सेनल मीन्स एक ट्रोल टीम बन चुका था आर्सेनल मीन्स पिछले दो सीजन में आप आर्सेनल को किसी बड़े टीम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते थे बट अभी जिस हिसाब से वो लोग खेल रहे हैं मीन्स आप गलत हो अगर आप किसी आर को किसी बड़े टीम के साथ कंपैरिजन नहीं करते हो उसका कंपैरिजन आप किसी बड़े टीम मीन्स टॉप टॉप नॉच क्लब्स जो हैं जो टॉप फोर के लिए लड़ रहे हैं कहीं भी मींस लीगा हो बुंडस लीगा हो प्रीमियर लीग हो सरिया हो फ्रेंच लीग तो फिर वो तो फार्मर्स लीग है उसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है बट हाँ अगर आप इन लीग्स के टॉप फोर टीम के साथ अगर आप आर्सेनल को नहीं जोड़ रहे हो आप आर्सेनल को कंपेयर नहीं कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो क्योंकि आर्सेनल ने जिस हिसाब से अपने गेम को सुधारा है जिस हिसाब से वो आजकल खेल रहे हैं मीन्स उनके यंगस्टर्स पूरा टीम यंग ही है लगभग और उनके यंगस्टर्स जिस हिसाब से खेल रहे हैं मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा अप्रीशियेबल है उनका गेम और मैं इसके लिए कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगा मिकेल आर्टेटा को क्योंकि भाई जिस हिसाब से उसने टीम को बनाया है मीन्स मैन बहुत बढ़िया लगता है अब का गेम देखने में बहुत अच्छा लगता है आप आर्सेनल का अगर आप गेम देखना स्टार्ट कर दो तो आप मिस नहीं करना चाहोगे क्योंकि वो एक तगड़ा फुटबॉल खेल रहे हैं अभी हम बात करते हैं लीड्स यूनाइटेड के मैच की मीन्स लीड्स यूनाइटेड के परफॉर्मेंस के बारे में तो फिर भाई मींस बोलने लायक कुछ है ही नहीं क्योंकि लीड्स यूनाइटेड ने यह गेम सीधा सीधी आर को दे दिया कि आओ भाई लो, लो ले जाओ थ्री पॉइंट्स हम बांट रहे हैं थ्री पॉइंट्स मीन्स लीड्स यूनाइटेड पिछले दो गेम से यही कर रही है कि हाँ आओ मेरे पास तीन पॉइंट है किसको ले जाना है ले जाओ फिर जो आए हाँ और ओ भाई तुम तुम्हारे पास गोल्स नहीं है मार्टिनली भाई तुम गोल्स नहीं मार रहे हो आओ लो मारो गोल सो ऐसा कुछ ऐसा कुछ था लीड्स यूनाइटेड का परफॉर्मेंस मीन्स बहुत बेकार जिसको आप बोल सकते हो मीन्स आप मार्सेलो बी एल की टीम से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप इतना खराब फुटबॉल खेलो आप इतना खराब फुटबॉल खेलो मीन्स एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन कुछ अलग है उस टीम से लीड्स यूनाइटेड से आपका एक्सपेक्टेशन कुछ अलग है आप कुछ अलग फुटबॉल देख रहे हो लीड्स यूनाइटेड का बट जिस हिसाब से उन्होंने पिछले दो गेम्स में उन्होंने जिस हिसाब से कंसीड किया है गोल ग्यारह गोल उन लोगों ने कंसीड किया है पिछले दो गेम्स में उन्होंने ग्यारह गोल कंसीड किए लीड्स यूनाइटेड ने तो आप उससे ये ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि ऐसा खेलेंगे वो इस इस तरह का फालतू गेम वो लोग दिखाएंगे इस मीन्स ऐसा इंडिविजुअल एरर्स करेंगे कि सीधा गोल ही हो जाए मीन्स आप वो तो शुक्र मनाओ कि ईयन मेलियर इतना तगड़ा गोलकीपर मीन्स भाई बहुत बहुत हॉट प्रोस्पेक्ट्स है वो, वो। हॉट प्रोस्पेक्ट है वो अभी फुटबॉल इंडस्ट्री में वो मीन्स अगर अगले अगर एक साल में मैं अगर ए एन मिलियर को कोई बड़े टीम में देखता हूँ तो मीन्स वो मीन्स सरप्राइजिंग नहीं होगा क्योंकि जिस हिसाब से वो परफॉर्म कर रहा है जिस हिसाब से ए एन मिलियर गेम माई गेम परफॉर्मेंस दे रहा है तो मीन्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वो उसने कल इज्जत बचा ली लीड्स की मैं सही बोलूँ तो उसने कल इज्जत बचा दी ली ली लीड्स की नहीं तो आर्सनल कहीं ना कहीं सेम वही हसर करता जैसा हसर मैन सिटी ने किया था लीड्स यूनाइटेड के साथ सो मीन्स ये एक फालतू परफॉर्मेंस है और मैं मार्सेलो बी एल सा टीम से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इस टाइप का फालतू परफॉर्मेंस आप दो गेम बाय गेम आओ आप ऐसा फालतू परफॉर्मेंस दो ये मैं मार्सेलो बी एल सा टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं क्या कोई भी फुटबॉल लवर ये मार्सेलो बी एल सा टीम से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता कि आप इतना खराब खेलो आपने लगातार दो गेम्स में आपने 52 टू शॉट्स कंसीड किए हैं जिसमें से 27 सेवन शॉट्स आपने गोल पे कंसीड किए हैं वो तो शुक्र मनाओ कि आपके पास इतना एक बढ़िया गोलकीपर है और वो भी आपके पास रहने वाला नहीं है ज़्यादा दिनों तक ईयन मेलियर आपके पास रहने वाला नहीं है जिस हिसाब से आप फुटबॉल खेल रहे हो आप अच्छे अच्छे राफ़ीनिया है आपके पास कार्विन फिलिप्स है आपके पास तो ये सब आपके पास नहीं रहेंगे अगर ऐसा ही फुटबॉल आप खेलोगे आप सिक्सटीन पोजीशन पे जाओगे एक जबकि आपके पास इतना बढ़िया मैनेजर है और आप ऐसा खेल के सिक्सटीन पोजीशन पे जाओगे क्या पता आप अगले दो मंथ में आप रेलीगे रेलीगेशन के जगह पे हो आप एटीन नाइनटीन पे हो सो लीड्स यूनाइटेड को कहीं ना कहीं गेम सुधारना पड़ेगा कहीं ना कहीं उनको ये देखना पड़ेगा कि हाँ कहाँ कहाँ कहा, गलतियाँ हो रही है उनसे मैं तो बोलूँगा कि उनका डिफेंस एकदम बकवास है मीन्स आप उनके पास बैकअप ही नहीं है कुछ मीन्स अगर आपको इंजरी होता है तो आपके पास बैकअप होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बट उनके पास बैकअप ही नहीं है सो so, कहीं ना कहीं लीड्स यूनाइटेड को इस पर ध्यान देना पड़ेगा और और आगे जितने भी सारे मैच हैं उनको जीतने पड़ेंगे क्योंकि अगर उनको टॉप टेन में रहना है क्योंकि पिछले बार उन्होंने टॉप नाइन फिनिश किया था नाइन्थ पे थे वो पिछले साल सो so, अगर उनको टॉप टेन फिनिश करना है तो कहीं ना कहीं, कहीं उनको ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीज़ों पर मार्शल बेल्स बेल्सा को कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा और अच्छा फुटबॉल खेलना पड़ेगा आप टॉप इलेवन प्लेयर लेके नहीं खेल सकते आपको बैकअप रखना ही पड़ेगा जब आप इतने बड़े इंटेंस लीग में आप खेल रहे हो आप प्रीमियर लीग में खेल रहे हो जहाँ पे इंजरी का होना लाजमी है वो आप इंजरी होंगे ही आपको सो आपको बैकअप प्लान प्लान रखना पड़ेगा और आपको अच्छा फुटबॉल दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपके टीम से सबका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है सो मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं होप्सो कि लीड्स अच्छा करे और आर्सनल अगर मैं बोलूँ तो आर टॉप फोर में वो डिज़र्व करती है जगह आर टॉप फोर में होना चाहिए इस बार क्योंकि वो जिस हिसाब से फुटबॉल खेल रही है एक स्टेटमेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं गेम्स बाई गेम्स वो सो so, आर को टॉप फोर में होना ज़रूरी है तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही था अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक हिट द बेल आइकन